अभी द माइटी आईएमआर R1000 चलाने वाला हूँ, सो एक बार। ओ फक ब्रो, क्या भाई पावर है मां कसम। दो दो एग्जॉस्ट क्या लग रहा है, और टायर देखो मां कसम टायर का साइज। डायरेक्ट सुपर बाइक में जाना सही है कि आरएस के बाद 390 लेना सही है, आप लोग कमेंट में जरूर बता। तो और इधर पूरा पुलिस से जो लड़की है ना गाइस, अभी रास्ते में ऐसे सिंगल घूम रहा था। वेयर इज योर मॉम? What's up, double lifestyle family, कैसे हो यार सब लोग? सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे गाइस रोज की तरह। सो इवनिंग का करीबन टाइम हो चुका है गाइस 5। आज है ना गाइज, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है, बिकॉज गाइज अभी मेडी भाई और मैं आर एस 200 में सीधा निकलने वाला हूँ गाइज एक सुपर बाइक देखने के लिए। और सुपर बाइक जो है ना गाइज, ऐसा मजाक में नहीं, मत लो आप लोग, 1000 cc का गाड़ी है, R1 यामाहा का R1 जो MSK भाई के पास था ना, वो वाला गाड़ी देखने के लिए जा रहा हूँ। बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है, और गाड़ी जो है गाइज मेरा बजट में ही है, बट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन वो बात कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे रिफाइनेंस का क्या क्या सुविधा है। लेकिन एक बात जरूर आप लोगों को बोल रहा हूँ मैं, अभी सेप्टेम्बर में कोई ना कोई एक बाइक आ रहा है, वो ड्यूक 390 भी हो सकता है, सुपर बाइक भी हो सकता है, तो इसलिए सुपर बाइक भी देख रहा हूँ बेंगलोर में। तो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वीडियो देखो लास्ट तक, वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और कोई तरीका है भीख मांगने का? और आप लोगों का एक कमेंट सही है मेरा वीडियो के नीचे, तो कमेंट जरूर कर देना। सो निकलते हैं, अभी मेडी भाई आ चुके हैं, लेट्स गो। आवर हीरो मेडी ब्रो, यू नो एवरीवन, यू नो एवरी गर्ल, यू आर ए लड़कीबाज। सो गाइस निकलते हैं, अभी बहुत लेट हो चुका है, अगर अंधेरा हो गया तो फिर मजा नहीं आएगा। अभी मेडी भाई हेलमेट नहीं लाया अभी, और हेलमेट लाने के लिए जाना पड़ेगा। ओके ब्रो सीट। इधर पूरा लड़की लोग पूरा शॉपिंग हो रहा है, स्ट्रीट साइड शॉपिंग। ब्रो लेट्स गो, सारे से हो चुका है टाइम, अभी और लेट करूंगा तो अंधेरा होगा, आप लोगों को भी नहीं दिखा पाऊंगा बाइक, मैं भी नहीं देख पाऊंगा। देख सकते हो सन अभी सेट होने वाला है, अगर सन सेट हो गया ना मुझे भी मजा नहीं आएगा, आप लोगों को भी मजा नहीं आएगा, क्योंकि गाड़ी अंधेरे में कैसे दिखाऊंगा आप लोगों को यार। ब्रो हॉन्किंग इज इंडियन कल्चर। तो भाई पूछ रहा है क्यों इतना हॉर्न बजा रहा है, हॉन्किंग इज मतलब हमारा इंडियन का कल्चर है, तो वो तो बताना ही पड़ेगा ना, तभी पता चलेगा वी आर इंडियंस। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। तो और इधर पूरा पुलिस चेक हो रहा है, देख सकते हो। सो अभी हम मतलब अंदर से आया हुआ, मेन रोड से नहीं गया हूँ, और इधर ही पुलिस था, लेकिन बस गया यार, पुलिस पकड़ा नहीं यार। और जैसे कि आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया, अभी जाने वाला हूँ कहाँ, 1000 cc बाइक देखने वाला हूँ गाइस, YMAR1 जो MSK भाई के पास था ना, वही सेम बाइक देखने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है। मतलब बाइक जो है ना बहुत ही तबाही वाला कंडीशन में, हालांकि बाइक जो है गाइस 2010 का है, बट उसका जो रनिंग है ओनली 16,000 हुआ है, तो इसलिए मैं गाड़ी देखने के लिए जा रहा हूँ। मैं तो आप लोगों को बहुत दिन से मतलब पूछ रहा हूँ कि कमेंट में बताओ कौन सा बाइक लेना है, आज और एक बार बोल दो आप लोग क्या सोचते हो, 390 लेना सही है कि सुपर बाइक में जाना सही है, अभी स्टार्टिंग में ही। सो आरएस के बाद डायरेक्ट सुपर बाइक में जाना सही है कि आरएस के बाद 390 लेना सही है, आप लोग कमेंट में जरूर बताना, ठीक है? आपका कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे। अभी आप लोग जो ये एरिया देख रहे हो ना, ये मेरा एरिया था जब मैं MR के तौर पर जब काम कर रहा था, तो ये मेरा एरिया था, इधर हमेशा आता था, तो अभी यादें जो है ना कहीं ताज़ा हो गया, मतलब ये रोड से मैं आता था, मतलब एरिया मेरा बहुत बड़ा था, ये था यलंका था मलेश्वरम था यार माँ कसम, मैं इसलिए जॉब छोड़ दिया, और 5 महीने में मुझे पता चल गया कि मेरे से कौन सा जॉब होगा कौन सा जॉब नहीं होगा, तो शाबाश बेटा बहुत बढ़िया, तो मैं इसलिए छोड़ दिया वो जॉब, क्या ही बताओ आप लोगों को। लेफ्ट राइट करते करते गाइस किसी तरह से लोकेशन पहुंच चुका हूं, अभी इधर ही है कहीं पे, भाई को कॉल करता हूं, अभी भाई का लोकेशन में पहुंच चुका हूं, लेकिन भाई को कॉल कर रहा हूं, भाई रिसीव नहीं कर रहा है फोन। So bro, what will do now? I have to wait. Huh? Wait. Here is our bro, Medi bro. गाड़ी तो गाइस देखने में ना पूरा प्रिस्टेन कंडीशन में लग रहा है, देख सकते हो, as you can see. Wow, just look at this यार. आगे से क्या तबाही लग रहा है. Just look at this. गाड़ी तो देख सकते हो गाइस क्या बवाल कंडीशन में है, और गाड़ी में देखने का मेन रीजन है ये आई, ओह फक क्या लग रहा है भाई, और गाड़ी का जो कंडीशन है ना बहुत ही सुंदर जबरदस्त कंडीशन का है, और आगे का जो ये लाइट है ना ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है, तो अभी एक बार राइड करके देखता हूँ कैसा है। एज यू कैन सी गाड़ी कुछ ऐसा लग रहा है देखने में, और ब्रो दिस इज ओरिजिनल और इधर ओरिजिनल योशिमुरा का ये एग्जॉस्ट लगा हुआ है देख सकते हो, और टायर का कंडीशन भी इतना खराब नहीं है, सही है टायर भी,
ऐसा कुछ लग रहा है, देख सकते हो द माइटी R1 YMR 1000। अभी द माइटी YMR 1000 चलाने वाला हूँ, सो एक बार रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। राइड लेकर देखते हैं कैसा रहेगा। और पोचर देख सकते हो कैसा है, एकदम नीचे झुकना पड़ रहा है। फाक ब्रो क्या लग रहा है यार, माँ कसम यार। हैंडल का थोड़ा तो प्रॉब्लम लग रहा है मुझे, हैंडल मतलब थोड़ा वाइब्रेशन कर रहा है, हैंडल मतलब थोड़ा हिल रहा है, तो अभी पता नहीं हैंडल का कुछ होगा कि नहीं। और पावर जो है ना जबरदस्त वाला पावर है, एक में ही क्या तबाही वाला भाग रहा है गाइज। दिस इज द माइटी R1000। मैं अभी तक दो गियर में लगाए नहीं, मुझे डर लग रहा है दो में लगाने के लिए, एक में ही चला रहा हूँ क्योंकि रास्ते में बहुत सारा बम्प है, तो आगे जगह एक बार घुमा के लाता हूँ क्या रहेगा। देखा क्या तबाही है भाई, दिस इज तबाही भाई, मजाक। लेकिन गाइज मन तो कर रहा है माँ का समय लेने का यार, तबाही भाई एकदम जबरदस्त। फाक ब्रो क्या भाई पावर है, माँ कसम यार मजा आ गया। मेरे में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है भाई पता नहीं, मोबाइल का वीडियो में देखना पड़ेगा, लेकिन पावर जो है ना गाइस तबाही वाला पावर है, आप लोग बिलीव नहीं करोगे ब्रो। इट्स लुक गुड हाँ, तो गाइस अभी आ चुका हूँ फाइनली R15 से सीधा RS में, और RS और R15 चला गया ना, अभी कैसा फील हो रहा है मुझे आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा मेरा फीलिंग्स। मतलब R1 में ऐसे झुक रहा था, ओनली डैशबोर्ड आ रहा था, और RS में देखो पूरा रास्ता वगैरह सब आ रहा था, लेकिन गाड़ी जो है ना गाइस चला के तो अच्छा ही लगा, पावर वावर भी पूरा जबरदस्त है। तो जैसे कि आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है, मैं एक साथ खरीदूँ ऑलमोस्ट 7 लाख रुपीज़ मांग रहा है, सो बैंक का लोन अगर हो गया तो ले सकता हूँ सुपर बाइक, नहीं तो ड्यूक 390 में ही सेटिस्फाइड रहना पड़ेगा गाइस, क्या बताओ अभी आप लोगों को। फिर फ्यूल पंप में फ्यूल व्यूल डाल लेते हैं, उसके बाद सीधा निकल लेंगे, कमाना हल्दी जाऊंगा अभी, कमाना हल्दी जाके थोड़ा सबरमा खाना है, उस दिन जो गया था वो वाला दुकान में जाऊंगा गाइस। मजा आया लेकिन R1 चला के यार, अभी बैंक का अगर लोन हो गया तो मजा आ जाएगा, R1 लेके जाऊंगा। मुझे नहीं लगता है R1 शायद असम में होगा, मैं देखा नहीं अभी तक R1000 ओल्ड वाला मॉडल, और न्यू वाला मॉडल भी शायद असम में नहीं है, सो अगर मैं ले लिया वन एंड ओनली इन आसाम होगा, सो देखते हैं अभी क्या होगा, अभी ओनली ढोकरा का बात है। ब्लॉग अगर एंजॉय किया ना एक कमेंट डालो, और ड्यूक 390 लेना है कि सुपर बाइक लेना है कमेंट में बोलो, आप लोगों का जो डिसीजन है ना वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, समझ गया ना। कोई तरीका है भीख मांगने का? और अभी ये कमाना हल्ली में एंट्री कर रहा हूँ देख सकते हो, सो अभी जाके इधर कुछ खाऊंगा, उसके बाद थोड़ा कपड़ा शॉपिंग करना है तो शॉपिंग करने के लिए भी जाऊंगा, सो लेट्स सी। अभी इधर खाऊंगा सबरमा, इधर देख सकते हो OMG क्या लग रहा है। ऐसा टेस्टी रोल मैं कभी नहीं खाया था, इसलिए मैं दो पार्सल भी कर लिया नाइट के लिए, सो अभी ऐसे खा पी के पूरा पेट हो चुका है पूरा फुल, और अभी ऐसे निकलते सीधा और जाके आप लोगों को रूम में मिलूंगा, सो लेट्स गो। सो फाइनली गाइस अभी इधर पहुंच चुका हूँ वेंकटेश्वरा मार्ट, सो इधर जाके अभी देखते हैं थोड़ा कपड़ा वपड़ा अगर अच्छा वाला मिलेगा तो यहाँ से उठाऊंगा। थोड़ा शॉपिंग करते हैं अभी इधर, बहुत दिनों के बाद शॉपिंग होगा। सो गाइस फाइनली अभी वेंकटेश्वरा मार्ट से बाहर आ चुका हूँ, मतलब कोई कुछ भी शॉपिंग नहीं किया, थोड़ा सॉक्स ले लिया इधर देख सकते हो, इधर ये सॉक्स ले लिया क्योंकि बहुत ही कम में मिल गया था, थ्री पेयर्स ऑफ सॉक्स ले लिया हूँ, और हेलमेट पीछे देख सकते हो, और अभी इधर हेलो। सो अभी इधर गाइस स्वीटकॉर्न खा रहा हूँ, स्वीटकॉर्न खा के अभी सीधा निकल जाएंगे, और हियर इज आवर मेडी व्हाट ब्रो, दिस गियर वाज गोइंग लाइक दिस। हाँ
कितना क्यूट है देख सकते हो। ब्रो मेडी गिव हर वन अनदर वन। तो लड़की है ना गाइस, अभी रास्ते में ऐसे सिंगल घूम रहा था, उसका फैमिली है अंदर, तो मैं अभी पकड़ के लेके आया, इधर बिठाया। और शी इज सो क्यूट, वेयर इज योर मॉम? शी इज शॉपिंग। हां सो गाइस, फाइनली अभी वेंकटेश्वर मार्ट के फ्रंट में हूं, और थोड़ा बहुत सॉक्स खरीद लिया, ज्यादा टी शर्ट वगैरह नहीं खरीदा। और मेडी इधर, मेडी भाई और मैं पीनट्स खा रहा हूँ देख सकते हो, और स्वीट कॉर्न भी खा लिया, और अभी ऐसे निकल जाऊंगा। Not like that, bro. Do like, share and subscribe. Do like, share, subscribe. Okay, and press the bell icon. And bell the bell. और अभी जो कैसे एक बच्ची दिखा था ना आप लोगों को, वो फैमिली उधर शॉपिंग कर रहा था वेंकटेश्वर मार्ट में, और वो सिंगल आके रास्ता में घूम रहा था, मैं पकड़ के लेके आया हूँ, पीनट खिलाया, उसके बाद फैमिली को समझा दिया यार, नहीं तो कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। मुझे डर लग गया था भाई, इतना छोटा सा एक बच्चा है रास्ते में अकेले घूम रहा है यार, मजा आ गया। तो अभी निकलते कैसे यहाँ से, लेट्स गो मेडी। ओके मेडी, बाय बाय, सी यू। व्हाई दिस इज माय बाइक नो आई बॉट। ओके बाय बाय। फाइनली गाइस, इधर रोल पैक करके लेके आया था, और अभी पहुंच चुका हूँ सीधा रूम, मिलते हैं अभी रूम में जाके, लेट्स गो। सो फाइनली गाइस, अभी पहुंच चुका हूँ पीजी, और आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। আজৰি খুজিব নোৱাৰো আগৰ কথাবোৰ ভাবি ৰয়, চাৰিওফালে মিছা মাতৰে সুহৰি ধৰিব পৰা নাই এই জীৱন, নাজানো ৰ'ব যাব নোৱাৰো, ঘূৰাই দিয়া মোক ভুল আছে।